नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। धनतेरस हिंदू पर्व में बड़ा त्योहार माना जाता है। इस दिन बाजार से खरीदारी करना शुभ माना जाता है। कोरोना काल का बेहद कठिन समय गुजारने के बाद आज देश भर के बाजारों में रौनक दिखाई दी। पिछले साल डर के साए में दीपावली मनाने वाले लोग आज खरीदारी के लिए दुकानों पर नजर आए और अपनी हैसियत के अनुसार कुछ ना कुछ खरीदारी की गई। धनतेरस के दिन सोने चांदी तांबे और इसी के साथ ही स्टील की चीजें खरीदने के खासे महत्व है। आज पूरे देश में धनतेरस का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन मुख्य तौर पर नई चीजों की खरीदारी की जाती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं आने वाले समय में खूब लाभ देती हैं। इस दिन लोग माता लक्ष्मी, धन के देवता कुबेर और इसी के साथ ही भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। वहीं धनतेरस को लेकर हमारे संवाददाता सतीश संगम ने लोगों से बातचीत की। ग्राहक तो बहुत कम, ग्राहक तो दिख ही नहीं रहे अभी। कस्टमर आप देख लीजिए, दुकान पे भीड़ लगी नहीं है और इससे 2 साल हो गए, ये दूसरा साल है। मतलब पिछले साल तो कुछ कस्टमर थे ही नहीं, कोरोना में सब बंद ही चल रहा था और महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि कस्टमर कहाँ से आएंगे ये बताइए सर। हम चाहते हैं कि ऐसा कुछ सरकार निकाले जिससे जनता को बहुत ही रिलीफ मिले और हर चीज़ की महंगाई पे कंट्रोल करे। गैस सिलेंडर भी बढ़ गया, पेट्रोल कहाँ छू रहा, आसमान छू रहा। आप देख ही रहे हैं पेट्रोल डीजल कहाँ तक पहुँच रहा और कहाँ कैसे कमाएगी, कमाई का जरिया तो सब बंद हो गया है। त्योहार भी निकल रहा है। अरे बिल्कुल, देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि कस्टमर आने मार्केट में निकलना ही नहीं चाहता है और पैसा है नहीं जेब में लोगों का। जब तक कभी बिजनेस नहीं होगा, कोई उनका आमदनी आने का जरिया नहीं बनेगा और तेल कितना महंगा हो गया, खाने से लेके हर राशन सब्जी सब तो महंगा हो गया। अब बताइए आप कैसे चलेगा, जब तक जेब में पैसा होगा तभी ना मार्केट करेगा, इससे पहले तो कर नहीं पाएगा कुछ भी। तो यहाँ पे रौनक दिख ही नहीं रही है। एक तो लॉकडाउन, ऊपर से जब लॉकडाउन ओपन हुआ है तो इतनी महंगाई। यहाँ सुबह से ही बाजारों में रौनक हो जाती थी त्योहारों में, आप देखिए कितना सन्नाटा बिखरा पड़ा है सिर्फ महंगाई की वजह से। इन नेताओं ने इतना भ्रष्ट कर रखा है देश को कि बता नहीं सकते। इस महंगाई कोविड की वजह से रोजगार भी छिन गए लोग। जी जी, बहुत ज़्यादा इसी वजह से तो सन्नाटा दिख रहा है सारा मार्केट में। सामान की बिक्री बहुत ज़्यादा कम हो गई है, कुछ नहीं बिक रहा। मैं दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ रही है और डीजल पेट्रोल इतना महंगा हुआ जा रहा और कमाई कम हुई जा रही है लोगों की। अब कमाई पे भी तो फर्क पड़ा है ना। प्राइवेट और सरकारी वाले तो मौज कर रहे, प्राइवेट वाले परेशान हैं। तो ज़्यादातर लोग कैसे घर का खर्चा चले, आप पेट पाले कोई या त्यौहार मनाए। दिवाली पर्व पर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई सामान खरीदने से घर में लक्ष्मी का प्रवेश होता है, लेकिन जो बाजारों की रौनक है वो कहीं ना कहीं महंगाई की वजह से थोड़ी फीकी पड़ी है। जब दुकानदारों से जिस समय बात की गई तो उनका कहना है कि सामानों के रेट जो बढ़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसका इफेक्ट पेट्रोल की बढ़ोतरी की वजह से, जो ऑयल तेल है उसकी वजह से बढ़े हुए। उधर अगर देखा जाए जो ग्राहक है उनकी कमाई एक तरह से ठप है, क्योंकि कोरोना काल में देखा जाए तो नौकरियां छीन ली गई थी लोगों की। ऐसे में जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले, जो दिनचर्या वाले हैं, उनकी थोड़ी फीकी देखी जा रही थी। भले ही आम तौर पर इसमें देखा जाए कि दिवाली पर उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि 2 साल बाद एक तरह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है कोरोना कम की वजह से, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर महंगाई बड़ा प्रभाव डालेगा। लखनऊ सतीश संगम, जनतंत्र टीवी। दिवाली पर कोरोना संक्रमण संकट के बाद पहली बार दीपावली और धनतेरस के बाजार में रौनक दिख रही है। तो कहीं सरकार की ओर से कोविड प्रोटोकॉल में राहत मिलने से बाजार गुलजार हो रहा है। इसी बीच बाजार में हर तरफ धनतेरस ऑफर की भरमार लगी हुई है। वहीं ग्राहक अपने लिए बेहतरीन ऑफरों की तलाश कर खरीदारी में जुट गए हैं। वहीं सहारनपुर में कोरोना की वजह से बाजारों में रौनक देखने को नहीं मिली, जिसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। आज धनतेरस के त्यौहार पर लगातार लोगों की जो है बाज़ारों में भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन आज इस वक्त हम जानने के लिए सहारनपुर के हालात पहुंचे हैं कि आज धनतेरस के त्यौहार पर
बाजारों के हालात क्या हैं, क्योंकि इस दिन जो है महिलाएं जो हैं, पुरुष जो हैं, अपने घर को सजाने के लिए काफ़ी सामग्री जो है बाजार से लेते हैं, उनको घरों को सजाते हैं, जो इत्यादि सामान होते हैं उस दुकानों पर जो है काफ़ी भीड़ देखने को मिल जाती है। लेकिन इस बार जो आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो है बाज़ार के जो दुकानदार हैं वो जो है ग्राहकों के आगमन को लेकर इंतज़ार में बैठे हैं कि कब ग्राहक आएंगे, क्योंकि जो कोरोना काल के बाद का समय है और इस बार जो दीपावली का समय है, इस दीपावली के समय पर जो आज धनतेरस का पहला दिन है जहाँ पर लोग खरीदारी करते हैं, तो ऐसे में जो ग्राहक हैं मेन बाज़ार के वो खाली बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या कुछ इनका कहना है और क्या वाकई में ही कितना असर जो है इस बार पड़ा है, उसके चीज़ के लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानु गुप्ता है जी। भानु जी, किस तरह से देखते हैं कि जो आज धनतेरस का त्यौहार है उस पर जो है भीड़ नहीं है बाज़ारों में, भीड़ वैसी चहल पहल दिख रही है लेकिन आपकी दुकान पर इतनी चहल पहल नहीं है? हाँ भैया, इस बार थोड़ी रौनक कम है बाज़ारों में, ग्राहक भी थोड़ा कम है आपकी बार हर साल के मुकाबले तो थोड़ा कम है। कारण क्या मानते हैं? नहीं सर क्या होगा कारण, तो लेकिन ग्राहक तो फिलहाल कम ही है, कोविड का कह लो चाहे मार्केट में कुछ और बात कह लो, लेकिन ग्राहक कम है फिलहाल तक। महंगाई भी यही, महंगाई भी थोड़ी बहुत असर डालती है लोगों की जेब पे। अच्छा, आज के दिन क्या क्या खरीदारी लोग करते हैं? आज के दिन यही कुछ सारी सजावट वाली चीज़ें और घर के लिए जो डेकोरेशन की आइटम आती है उनकी खरीदारी करते हैं आज के टाइम। देखिए जो है आज के दिन जो है जो आइटम जो कार्य जो घर पर सजाने के होते हैं उनको घर पर लेकर जाया जाता है और उनको जो है सजावट की जाती है, लेकिन जो है कहीं ना कहीं ग्राहक जो हैं वो मार्केट में दिखाई नहीं दे रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो गांव दर गांव के लोग आते थे वो कहीं ना कहीं महंगाई की बात हो, चाहे कोरोना काल की बात हो, चाहे फिर उसके बाद जो मार्केट है महंगाई से नहीं उठ पा रही है उसकी बात हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो महंगाई का मुद्दा हो चाहे कोरोना काल का मुद्दा हो, उसके बाद से लगातार जो ग्राहक हैं वो मार्केट में दिखना कम हो गया है। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी के साथ योगेश आर्य, जनतंत्र टीवी, सहारनपुर। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आज पूरे देश में धनतेरस का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। यूपी के बाजार धनतेरस के मौके पर दुल्हन की तरह सजे हुए हैं। कोरोना काल में बाजारों में रौनक देखी जा रही है तो वहीं लोग खरीदारी भी कर रहे हैं। रंगीन लाइटें लगाकर दुकानों को आकर्षक रूप से सजाया गया है। एक दिन पहले ही बाजार में लोगों की भीड़ देखकर कारोबारियों के चेहरे खिल चुके हैं। तो वहीं कोरोना काल में धनतेरस पर बाजारों के क्या हालात हैं, इन्हीं तमाम मुद्दों को जानने के लिए हमारे संवाददाताओं ने अमेठी, कानपुर, इसी के साथ ही वाराणसी और मेरठ में बाजारों का जायजा लिया। सबसे बड़े पर्व दीपावली का पर्व जो है नज़दीक है और ऐसे में आज धनतेरस है। धनतेरस में लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी करते हैं, बर्तनों के दुकान पर, सोने चांदी के दुकान पर, और लोग गाड़ियों की जो है खरीदारी करते हैं। ऐसे में हम अमेठी के चौक स्थित बाज़ार पर मौजूद हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक बर्तन की दुकान है, यहाँ पर लोग खरीदारी कर रहे हैं बर्तनों की। ये देखिए बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर रखी गई है। हम अंदर चलकर देखते हैं कि जो ये बाज़ार है इसकी कैसी रौनक है और कैसा है। महंगाई तो बढ़ी हुई है, पहले 10 रुपये थी, 20 रुपये है, 15 रुपये है। कोई भी ऐसा सामान नहीं है जो कि डेढ़ गुना नहीं हो गया है, कोई भी चीज़ ले लो आप। तो बर्तन के रेट भी बढ़े हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाएं बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये धनतेरस बहुत बहुत मुश्किल वाली धनतेरस है, बजट के अंदर काम करना बहुत मुश्किल है। क्या क्या खरीदारी आप अभी कर चुकी हैं और क्या क्या? अभी तो फिलहाल किरान मिठाई उठाई बनाने का सामान ले लिए, आप बर्तन लेना आप समझ में नहीं आ रहा है इसमें क्या ले है? कोई भी चीज़ अब इस समय रेट के हिसाब से जो है हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। किसी भी दुकान पर जाइए कह दीजिए भैया अभी तक इतने में मिलता था, अब इतना क्यों दर भैया? अब सामान महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया है, किराया महंगा हो गया, इस वजह से सामान का रेट भी महंगा होना मतलब नॉर्मल बात है। तो कहीं ना कहीं जो और भी महिलाएं हैं हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू है, मंजू गरारी। खरीदारी करने आई है तो अगर घर के बजट की बात की जाए और जो है कैसा क्या क्या खरीदारी करेंगी और कैसा लग रहा है इस धनतेरस को, आप कैसे जो है सेलिब्रेट करना चाहेंगे दीपावली को? धनतेरस तो बहुत अच्छा चल रहा है, भीड़ भाड़ भी बहुत चल रहा है, लेकिन माहौल इतना मतलब गर्म है कि महंगाई इतना बढ़ गया, कुछ लेने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गया है। हाँ, हर आदमी पीछे हट रहा है, ये हो रहा है कोई भी एक बर्तन छोटा ले लो बस उसी से धनतेरस हो जाए और फिर मन नहीं कर रहा लेने का।
तो जो बाजारों की रौनक है, रौनक तो है, जिसके जो शक्ति है अपने यथाशक्ति के हिसाब से लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बाजारों पर महंगाई की थोड़ी मार जरूर देखने को मिल रही है। दिलीप यादव, जनतंत्र टीवी, अमेठी। वक्त हम लोग खड़े हैं कानपुर के कल्याणपुर बाजार में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज धनतेरस का जो है पावन पर्व है, जिसको हम हिंदू लोग बहुत ही आस्था के साथ मनाते हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि इस दिन जो है महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए लोग कुछ ना कुछ उनकी लोग पूजा करते हैं और कुछ ना कुछ उनके उनको खुश करने के लिए खरीदते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि आज के दिन कुछ भी खरीदने से लक्ष्मी का घर पे आगमन होता है और कुछ उनके घर की बरकत होती है। हम लोग इस वक्त कल्याणपुर की पनकी रोड बाज़ार में हैं। हम अपने कैमरामैन से कहना चाहेंगे कि हम आपको दिखाएंगे कि बाज़ार की जो रौनक है वो देखिए किस तरीके से कोरोना काल के बाद जो है एक बार पिछले साल कोरोना आने की वजह से बाज़ार की रौनकें जो हैं कहीं ना कहीं छिप गई थी, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि आज जो देखिए इस बार की जो बाज़ारें हैं, धनतेरस का आज दिन है और बाज़ारों में किस तरीके से जो है रौनक वापस आ चुकी है, किस तरीके से दुकानें जो है धनतेरस के दिन आज सज चुकी हैं। हम कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि आज किस तरीके से ये लोग खरीदारी कर रहे हैं और क्या इस दिन का कुछ विशेष इन लोगों ने माना है। बाबा क्या नाम है आज लेट अंदर में देखे जी? हेलो, क्या नाम है आपका? आरएस गुप्ता। आरएस जी, क्या आप दुकान के मालिक हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, तो किस तरीके से आज आपका त्यौहार रहा, किस तरीके से खरीदारी लोग कर रहे हैं? त्यौहार बहुत अच्छा चल रहा है और माँ गायत्री कृपा है कि कोरोना बीमारी में भी अच्छा से अच्छा कार्य हो रहा है। पिछली बार कोविड था तो कोविड की वजह से बाजारों की जो रौनकें थी वो कहीं ना कहीं, बट इस बार मार्केट में चमक है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा महंगाई का असर है। अच्छा, महंगाई का असर है तो महंगाई के असर से क्या लग रहा है कि जो खरीदारी वो कम हो रही है या आते हैं पूछते हैं अरे बहुत महंगा बहुत महंगा, लेकिन सारे रेट तो बढ़े हुए हैं ना, तो फिर हम लोग भी बढ़े हुए के हिसाब से दे रहे हैं। साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से लोग आज जो है धनतेरस में खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मोहम्मद शानू के साथ राहुल भदौरिया, जनता टीवी। प्रथम वाराणसी की हृदय स्थली लहुरा बीर क्षेत्र में मौजूद हैं और आज जो मौका है वो धनतेरस का है। तस्वीरें आप देख सकते हैं हमारे इस ओर, किस तरीके से सिलसिलेवार ढंग से तमाम सारी जो दुकानें हैं वो लगी हुई हैं और इन दुकानों पर तमाम सारी जो चीज़ें हैं, साज सजावट की, कृत्रिम फूलों की बात करें, शुभ दीपावली, हैप्पी दीपावली लिखी हुई चीज़ों की बात करें, या फिर इस तरीके से जो रंगोलियां हैं रंगोलियों की बात करें, इसके अलावा तमाम सारी जो चीज़ें और लगाई जाती हैं, ये आकर्षक झालर वगैरह आप देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण दीपावली धनतेरस की बात हो तो दिए, ये जो दिया है अपने आप में काफ़ी खास, काफ़ी अलग और काफ़ी आकर्षक है। साथ इस तरीके की चीज़ें हैं जिससे महिलाएं जो हैं वो रंगोली वगैरह बनाती हैं। हमारे साथ दुकानदार हैं, आइए उनसे भी बात करेंगे कि क्या इस समय बाजार की स्थिति है और कितनी रौनक इनके हिसाब से समझ में आ रही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है। ये बताइए कि जो धनतेरस है आज, तो धनतेरस पर कैसी खरीदारी हो रही है? खरीदारी तो मार्केट में ठप हुआ है, लॉकडाउन के वजह से ना मार्केट में बहुत डाउन है। ठीक है, दो तीन दिन तो लगा के बैठे हुए दुकानदारी, एक पैसा भी नहीं हुआ है, क्योंकि पूंजी तक नहीं निकला हुआ है। हम लोग परेशान हैं और प्रशासन अलग परेशान करिए, आप लोग जो रोड पर क्यों लगाए हैं दुकान, हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं, क्या क्या किया जाए बताइए। अच्छा, ये तो रहा आपके कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ी रौनक कम जरूर है, लेकिन जिस तरीके से दिन आगे बढ़ेगा तो बनारस के जो लोग हैं वो दुकानों पर उमड़ेंगे और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं दुकानें कम पड़ जाएंगी, इतनी बड़ी संख्या में भीड़ होगी। तमाम सारे जगहों पे रूट डाइवर्जन भी किया गया है ताकि जाम न लगने पाए। और इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हमारे साथ, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।